नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों में ईडी मुझे गिरफ्तार करेगी। एक करीबी ने मुझसे ये कहा है कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगी तो ईडी मुझे गिरफ्तार कर लेगी। कुछ दिनों में मेरे घर पर ईडी की रेड पड़ने वाली है। आतिशी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को 2 महीने में जेल में डालने की साजिश पूरी तरह से रची जा रही है। इससे मेरे अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा भी इसमें शामिल हैं। आतिशी के इस आरोप का बीजेपी ने भी कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने भी एक बाइट और अपना बयान जारी करके आतिशी के सभी दावों का खंडन किया है। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हों चाहे आप सांसद। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर वन। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं इंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल इंजॉयज द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द दिल्ली असेंबली, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, ये तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है? दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यही असली कारण है। देखिए, दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज बीन एक्सपोज्ड, जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहां आती है? दूसरी बात कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है कि विजय नायर जो शराब घोटाले में एक प्रमुख कारक है, वो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऑफ कोर्स जब किंग पिन कह रहा है, इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रिपोर्ट करते थे, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, और फिर उसके बाद तुरंत आतिशी जी का चेहरा उड़ जाता है कोर्ट में, आपका एएनआई का भी कैमरा उनको फॉलो कर रहा था, आतिशी जी क्या कह रही हैं, आतिशी जी बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि उस समय तो दिमाग काम नहीं किया होगा। अब रात भर की प्लानिंग के बाद सवेरे निकलता है कि हमको ऑफर मिल रहा है। अरे, भारतीय जनता पार्टी
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। आप लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को लाइए, नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का स्टैंड है भ्रष्टाचार को हटाइए। इसलिए आतिशी जी की अब किसी बात पे दिल्ली विश्वास कैसे कर सकती है? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ जमुना दे दी? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ पानी दे दिए घरों में? क्या दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने पेंशन दे दिया? वो कहते हैं ना कि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि ओल्ड टैक्टिक्स स्टैंड एक्सपोज्ड, सो स्टॉप लाइंग एंड एक्सप्लेन व्हाई यू चीटेड दिल्ली। मेरा मानना है आपने दिल्ली को जिस स्तर पे चीट किया है, अब दिल्ली की जनता आपको माफ करने वाले नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में कल आतिशी का भी नाम सामने आया था। सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने यह दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। जानकारी के अनुसार जब दिल्ली की रेवेन्यू कोर्ट में भी ईडी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नामों का जिक्र किया, तब वो दोनों कोर्ट रूम में मौजूद थे। ईडी ने दिल्ली में कोर्ट में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिमांड के दौरान जांच में सहयोग नहीं किया है, वे सवालों को गोलमोल जवाब देते नजर आए हैं। जब सीएम से उनके करीबी मामलों के प्रमुख आरोपी विजय नायर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, नायर मुझे नहीं जानते हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज की रिपोर्ट करते थे, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती, उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ लिया। उससे मेरे साथी से बातचीत बहुत सीमित दायरे में थी। साथियों, आपको याद होगा 31 मार्च की रैली से पहले इसी जगह पे मैं, गोपाल राय जी, जैस्मीन, आप सब पत्रकार साथियों के साथ बैठे थे, चर्चा चल रही थी, प्रिंट के साथी भी थे, टीवी के साथी भी थे, और उस चर्चा के अंदर हमारे पत्रकार साथियों में एक शंका थी, और वो शंका उनकी नहीं थी, वो शंका लोगों की थी जो उनके माध्यम से उस दिन कई बार आई। शंका थी कि क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद, जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? और ये शंका हमारे पत्रकार साथियों की बिल्कुल सही थी, शंका होनी चाहिए। मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश है, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, इन लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए, अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ तो कर दिया जो करना था,
पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। अब जनता के बीच में ये बात है कि पार्टी तो मजबूती से खड़ी है, पत्रकारों को बात इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि जनता डर रही है, जनता बोलने से डरती है, वोट डालने से नहीं डरेगी, ये बात भारतीय जनता पार्टी जान रही है। और आज देश की जनता डरी हुई है, ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि डरे हुए तो तब थी जनता जब अंग्रेजों का शासन होता था, लोग डरते थे उनके सामने अपनी बात कहने से, लोग डरते थे अपनी मन की बात कहने से, लोग डरते थे अंग्रेजों से सवाल पूछने से, और डर के, डरा के, दबा के, जेल का डर दिखा के अंग्रेज हम पे शासन करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगभग वैसे ही हो गई है कि लोगों को जो आवाज उठाए उनको डरा के, जेल भेज के, धमका के, बाह मरोड़ के शासन चलाना चाह रहे हैं। ये बात मैं ना भी कहूं, सारे देश की जनता जानती है कि आज सिर्फ डर है। टुडे द चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग फेस ऑफ अरविंद केजरीवाल्स पॉलिटिक्स इज आउट इन द ओपन, स्पेशली फ्रॉम रामलीला, दैट फ्रॉम स्वराज टू शराब, फ्रॉम झाड़ू टू दारू, फ्रॉम अन्ना हजारेज लीडरशिप टू लालूज लीडरशिप, फ्रॉम डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ लालू, मुलायम, सोनिया, राहुल, अखिलेश, टू ज्वाइनिंग हैंड्स विद देम एंड सेइंग डोंट टेक माय रेजिग्नेशन, फ्रॉम भ्रष्टाचार हटाओ टू भ्रष्टाचार बचाओ, देयर इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड टुडे ही सेज आई विल रन द सरकार फ्रॉम जेल। इफ सरकार कैन बी रन फ्रॉम जेल, even though he used to demand resignation on just accusations, then why did he take resignation of Manish Sisodia and Satyendra Jain? It is clear now that they want to find a scapegoat to save Mr. Kejriwal. And so he started by saying in court that ministers come to my house, they decide, how do I know? Then Kailash Gehlot ji was called, he has said Atishi will know. N.D. Gupta also tried to lay the blame on somebody else. Then when Atishi was asked, she put the blame on Saurabh Bharadwaj. And today we are learning that Mr. Kejriwal has now thrown Atishi and Saurabh under the bus as per the media reports. This is old tactic and ploy of Mr. Kejriwal to save his own skin. He can go to any extent when he has cheated Anna Hazare and other senior leaders of AAP. What are Atishi and Saurabh? It is a sympathy has to be conveyed to them. But today the main question is that how can Mr. Kejriwal run his sarkar from jail? And what kind of morality does he have when he used to himself demand resignation on accusation? कारोबारी विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। ईडी ने नायर को साउथ लॉबी के सदस्य और आप नेताओं यानी कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा कि 1.5 साल पहले विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि वह सीएम को रिपोर्ट नहीं करते थे और आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। 1.5 साल बाद ईडी आखिर ये सवाल क्यों उठा रही है जबकि उसके पास लिखित बयान है। बीजेपी ने कहा कि शराब नीति की स्थिति स्पष्ट होती जा रही है, अब यह देखना होगा कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं या राजनीति करते जाएंगे, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी भी लगातार आतिशी और आम आदमी पार्टी का जो चीज चल रहा है इस समय दिल्ली में उसको लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली में आमने सामने आप लोगों को दिखते नजर आएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।